नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि सिवान में लगातार तीसरे दिन हुई गोलीबारी की घटना। बताते चले कि घटना के संबंध में सिवान के असाओ गांव में गोली चली है और एक व्यक्ति घायल है। बता दें आपको कि थाना असाओ गांव के निवासी नन्हे प्रसाद, जिनकी उम्र 36 वर्ष, पिता स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद का बिल्ट का दुकान है, जो दुकान पे नन्हे अपने बैठा हुआ था, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी आए और नन्हे पर फायरिंग कर दी। बताते चले कि नन्हे बचने की कोशिश किया, जिसमें उसके बाएं हाथ में गोली लगी है। बताते चले कि सिवान ज़िले में गोलीबारी की ये तीसरे दिन लगातार घटना है और अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सिवान सदर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।